जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपके सामने एक नई भर्ती लेके पेश कर रहा हूं, जो आपकी भर्ती है हाई कोर्ट के अंदर। कौन से हाई कोर्ट के अंदर है? यह हाई कोर्ट की भर्ती है जिसके अंदर एग्जाम सिलेबस, आयु, योग्यता कट ऑफ, प्रवेश पत्र, प्रवेश प्रक्रिया, फिजिकल, सैलरी, तो ये सारी बात करने वाले हो। इसके अंदर फिजिकल है नहीं, कट ऑफ क्या रहेगी वो बाद में बताएंगे। आयु, एग्जाम, सिलेबस वगैरह बता देता हूँ। ये भर्ती है वो कौन सी भर्ती है, आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ORZAT नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस टाइप की कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो सबसे पहले टेलीग्राम पे भेज देते हैं हम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए ORZAT नाम से, तो आपको वहाँ पे ORZAT मोटिवेशन टेलीग्राम मिल जाएगा, वेरीफाइड अकाउंट है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अंदर बात करता हूँ आप सभी के लिए, जो 260 पदों पर रिक्त पद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं भर्ती निकल चुकी है, जिसके अंदर आपके स्टेनोग्राफर के पद है, ट्रांसलेटर के पद है, 260 में से आपके ट्रांसलेटर के 16 पद है, स्टेनोग्राफर के 244 पद है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी HCOJAS.gujarat.gov.in है, तो इसके अंदर आप जाके फॉर्म लगा सकते हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर भर्ती निकली हुई है, ठीक है। इसके अंदर 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर बात करूँ तो आपके लिए अभ्यर्थी पास किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपके पास BA की डिग्री पास होना चाहिए, साथ ही अभ्यर्थी कंप्यूटर की बेसिक RACIT डिग्री है वो आपके पास होगी, तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करूँ 18 साल से 35 साल की आयु होनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है, ठीक है। इसके अंदर SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, PH सैनिक पूर्व शुल्क जो आपकी रखी गई है, इसके अलावा जो आपके शुल्क जनरल OBC की शुल्क जो रखी गई है, ₹750 शुल्क रखी गई है, बाकी को शुल्क इसके अंदर नहीं देना है। तो ये इसके अंदर मटेरियल है। और इसके अंदर और आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसके अंदर और क्या करता हूँ, ये इसके अंदर दे देता हूँ। इस इसके अंदर के जरिए आप ऐसा करिए, ये लो इसके अंदर दे देता हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर के जरिए आप यहाँ से जो है क्या नाम है, स्कैन करके इस वेबसाइट पे चले जाइए। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर पे क्लिक करिए, इस स्कैनर को फ़ोन से स्कैन कर लीजिए, ताकि इसके अंदर, या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, HCOJAS.gujarat.gov.in, इस वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ से आपको इसके अंदर आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन करने का भी मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो भी आप आराम से पढ़ लेना। और आप चाहते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, सिलेबस क्या आएगा, कैसे तैयारी करना, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी जानकारी चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और इसके अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और डिटेली वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल में बना के बता दूंगा, जैसे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन सी भर्ती है, क्या जॉब प्रोफाइल है, सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।